क्या आप नागालैंड की उस महिला के बारे में जानते हैं जिसने महज 13 साल की छोटी सी उम्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था? वह महिला थी रानी गाइदेलन्यू। रानी गाइदेलन्यू भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उनकी चर्चा अन्य क्रांतिकारियों जितनी नहीं होती है। तो चलिए आज जानते हैं रानी गाइदेलन्यू के बारे में। रानी गाइदेलन्यू का जन्म रोंगमेई जनजाति में 26 जनवरी 1915 को भारत के मणिपुर राज्य में पश्चिमी जिले में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर आजादी के विचार कूट कूट कर भरे थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही वह भारत की आजादी की लड़ाई से जुड़ी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गई थी। साथ ही उनके चचेरे भाई जादूनाग मणिपुर से अंग्रेजों को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी क्रम में उन्होंने हिराका आंदोलन शुरू किया जिसमें रानी गाइदेलन्यू भी शामिल हो गई थी। इस आंदोलन का लक्ष्य प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करना था। धीरे धीरे यह आंदोलन ब्रिटिश विरोधी हो गया। बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल होते गए और इस आंदोलन ने एक व्यापक रूप ले लिया। रानी गाइदेलन्यू का नागाओं की पैतृक धार्मिक परंपराओं में काफी विश्वास था और जब अंग्रेजों ने नागाओं का धर्म परिवर्तन कराने की मुहिम शुरू की तो गाइदेलन्यू ने इसका जमकर विरोध किया। आंदोलन के कुछ समय बाद अंग्रेजों ने जादूनाग को गिरफ्तार कर लिया और 29 अगस्त 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया, जिसके बाद मात्र 17 साल में रानी गाइदेलन्यू ने इस आंदोलन की कमान संभाली। उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में सुनकर अपने समर्थकों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुलकर विद्रोह करने की सलाह दी। इस घटना के बाद असम के तत्कालीन गवर्नर ने असम राइफल्स की 2 टुकड़ियों को रानी गाइदेलन्यू को खोजने के लिए और उनकी सेना को पकड़ने के लिए भेज दिया। आखिरकार 17 अक्टूबर 1932 को रानी गाइदेलन्यू और उनके कई समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इम्फाल ले जाया गया, जहां उन पर 10 महीने तक मुकदमा चला। इसके बाद उन्हें 14 साल की जेल की सजा हुई। साल 1937 में जवाहरलाल नेहरू उनसे शिलोंग में मिले और उनसे उनकी रिहाई का वचन दिया और तब उन्होंने गाइदेलन्यू को रानी की उपाधि दी। जब साल 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर रानी गाइदेलन्यू को जेल से रिहा कर दिया गया। अगर उनके पुरस्कारों और सम्मान की बात करें तो साल 1972 में रानी गाइदेलन्यू को तामपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार दिया गया। वहीं 1991 में वह अपने जन्म स्थान लौट गई, जहां 17 फरवरी 1993 को 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद भी 1996 में उन्हें बिरसा मुंडा पुरस्कार से नवाजा गया और सरकार ने उसी साल उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। साल 2015 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक सिक्का भी जारी किया। उत्तर पूर्व के इतिहास में आज भी रानी गाइदेलन्यू को याद किया जाता है।